हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं जो सवाल कराने जा रहा हूँ, टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो चैप्टर नंबर 13 है, प्रश्नावली 13.1 का। मैं आज आपको आठवां क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 10th क्लास के मैथ्स का है और यह है एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग। तो आज का ये सवाल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको पहली बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका कारण पूछने का ये भी है क्योंकि ये प्रश्न बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो बड़ा ट्रिकी है, इसमें जब आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको लगे जो आप समझोगे एक्चुअली में उसका जस्ट उल्टा ये सवाल है, यानी कि जो इसको सॉल्व करने के लिए जो दिमाग में आपको आएगा वैसे ना कोई उसका उल्टा हो जाता है। वो क्या होता है मैं आपको आप बता दूंगा सवाल में। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है सवाल कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, यानी एक आपके पास एक ठोस बेलन है जिसका कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। इस बेलन में से इसी ऊंचाई व व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटे जाता है, खोल काट लिया जाता है, शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्र पर ज्ञात कीजिए। निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्र पर ज्ञात करने का मीनिंग होता है कि अगर आंसर आपका पॉइंट मार तो उसको राउंड फिगर में हमको बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, तो राउंड फिगर कैसे आता है वो तो आपको पता है ही। तो पहले हम देखेंगे कि पहले इसमें समझने वाली बात क्या है। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूँ कि इसमें एक चीज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज को इंपॉर्टेंट बताते हैं सवाल को। तो आपके सामने है एक ठोस बेलन, मैं यहाँ पे एक ठोस बेलन बना देता हूँ, ये आप इस तरह से एक प्रकार से बेलन है, ये आपका एक बेलन बनाया गया है, थोड़ा चित्र में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये बेलन है। इसका जो व्यास दिया गया है, इसका व्यास दिया गया आपको 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि सब चीज सेंटीमीटर में है कि नहीं है, देखो ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, तो हमें फिर कहीं भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये आपका एक बेलन है, इसमें से एक इसी आधार और इसी ऊंचाई का एक क्या काट लिया गया है, शंकु काट लिया गया। बस यही पर इंपॉर्टेंट चीज है, यही पर आपको समझना है, काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब जनरली क्या होता है कि इस सवाल में बच्चे क्या करते हैं, अगर शंक्वाकार हिस्सा अगर काट लिया जाता है तो बचे हुए हिस्से क्या होगा कि बड़े बेलन में से शंकु का और इस वृत्त का घटा देंगे तो बचे हुए हिस्से निकल जाएगा, यही जनरली सबके दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि इसमें से एक खोल काट जाता है, ये जो शब्द लिखा हुआ ना खोल, शंक्वाकार खोल जो लिखा हुआ, खोल का मीनिंग है कैसे इसको काट लिया था वो पहले इसको समझना जरूरी है। तो उसके लिए समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सपोज आपका पास ये कुछ भी मान लिया, मतलब यही वो बेलन है मान लीजिए, तो इसमें से जो शंक्वाकार खोल काट लिया गया वो कैसे काट लिया गया ध्यान देखिएगा। ये आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा बिल्कुल चौकोर हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो इस चौकोर हिस्से के ठीक बीच में से इसी ऊंचाई का और इसी ब्यास का, यानी कि जो ब्यास होगा इसका यहां से लेकर यहां तक होगा, इस व्यास का एक शंकु खोल काटते, यानी कि इसको मैं यहां से इसके अंदर खुदाई करूंगा, मैं खुदाई करते 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 अंदर 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 मैं यहां तक पहुंचूंगा, इसकी इस हिस्से तक पहुंचूंगा और उसको फिर खोद खोद करके उसको यहां से निकाल दूंगा ऐसा करके, यानी कि इसके बीच में एक शंक्वाकार छेद बन जाएगा यहां से ना कि यहां से। सिलेंडर का भी ऐसी है, जो ये सिलेंडर आपको बनाया गया, ये जो बेलन बनाया गया है, इस बेलन से जो शंक्वाकार खोल काटा जाएगा वो यहां से नहीं काटा जाएगा, यानी कि सिलेंडर के यहां से नहीं काटा जाएगा, वो यहां से काटा जाएगा, यानी कि यहां से काटा जाएगा। अगर सिलेंडर को थोड़ा आप गौर कीजिए, इसको आप यूं करके रखिए तो आपके सामने ये हिस्सा जाएगा, ये वृत्ताकार हिस्सा जाएगा, तो यहां से अंदर छेद करेगा वो बंदा ऐसे करके यहां तक छेद करेगा, यहां से अंदर तक यहां तक छेद करेगा और लास्ट ऊंचाई तक पहुंचेगा और फिर वहां जब काटेगा तो वहां से उसको टक से निकाल देगा, तो एक वहां पर एक शंक्वाकार छेद बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसा करने पे क्या होगा ना, अब जनरली कहते हैं हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि बड़े बेलन में से शंकु का वृत्त घटा देंगे हम क्षेत्रफल, तो बचे हुए हिस्से निकल जाएगा। मैं बोलूंगा यहाँ पर घटाना नहीं है, मैं यहाँ पर बोलूंगा आपको बेलन का, शंकु का
और एक वृत्त का क्षेत्रफल आप जोड़ दोगे तो बचे हुए हिस्से का आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ये तो उल्टी बात होगी ना, मैंने कहा था ना यहाँ पर जो चीज दिमाग में आती है उसको जस्ट उल्टा होता है। हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि हमने बड़े बेल में से शंकु और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, बच जाएगा जो बचा हुआ हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बेलन के क्षेत्रफल में शंकु का क्षेत्रफल प्लस उस वृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ रहे हैं तो बचे हुए हिस्से का निकल रहा है। ये मतलब उठपटांग बात हो रही है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूं सिस्टम क्या है, क्यों क्यों क्षेत्रफल बढ़ रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो जब ये शंक्वाकार हिस्सा, अब मैं आपको बता रहा हूं, आप बेलन को अगर देखोगे तो बेलन के तो जो लंबाई वो इस तरफ है। एक्चुअल में इस बेलन को आप जो है अब ऐसे खड़े में मत देखिए, इसको आप ऐसे यूं करके ऐसे यहां से देखिए, इस हिस्से देखिए, आपको जहां से सर्कल है तो उसी देखो कि आप ऐसा दिखेगा आपको। तो जो शंकु काटा गया वो इस तरह से यहां से ऐसे कुछ ऐसे काट दिया जाएगा। ये जो ऊंचाई आपको दिख रही है वो ये वाली ऊंचाई है, ठीक है। जो शंकु काट लिया गया उसने, आप जो सवाल में बोला वो इस तरह से काटा गया है, ये इस तरह से काटा गया, सेम व्यास का और सेम ऊंचाई का, यानी कि 2.4 ऊंचाई हुई और 14 सेंटीमीटर वाला व्यास हो गया। तो इसकी जो तो त्रिज्या हो जाएगी, हमें त्रिज्या बराबर हो जाएगी आर बराबर मान लीजिए 0.07 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्टिक्स का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे में देखिए, इसको यहां से देखिए आप, तो आपको यहां से देख रहे हैं ये ऐसा दिखेगा। तो इससे क्या होगा, एक ये कैविटी बन जाएगा, कैविटी मतलब कि खोल बन जाएगा, एक कैविटी बन जाएगी। तो जो कैविटी बनेगी उसमें क्या होगा, ये दीवारें भी होंगी इधर वाली और ये वाली दीवारें होंगी, ये वाली दीवारें सॉरी ये दीवारें। अब इसमें क्या होगा ना, ऐसा करने पे क्या होगा ना, इस बेलन में देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो ये है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इतना हिस्सा है, ये जो गोल वाला हिस्सा ये वाला, यानी कि उसके चारों तरफ वाला वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब मैंने पेंट करने की बात, अगर मैंने पेंट करें ना तो पेंट को अगर हम बोलेंगे बेलन पेंट करें तो आप यहाँ यहाँ पेंट करोगे, इधर पेंट करोगे, इधर पेंट करोगे, लेकिन एक एक हिस्सा, एक सरफेस, एक पृष्ठ आपके पास ये भी मिल जाता है अंदर का ये वाला, क्योंकि आप इसको अगर छेद करेंगे तो छेद करने पर जो इसके अंदर जो शंक्वाकार छेद करेंगे तो उसके साइड में यानी कि बेलन के चारों तरफ भी तो एक सरफेस बन जाएगा, एक हिस्सा बन जाएगा जहां आप पेंट कर सकते हो, यानी कि एक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ये ध्यान, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया आपके पास, तो इसका मतलब है जो ये एक्स्ट्रा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है आपका, तो उस हिसाब से अगर, और हाँ यहाँ से यहाँ का वृत्त तो निकल गया पूरा, ये वृत्त तो पूरा हमने जो जो खोल काटा था वो कट समय निकाल दिया, तो आपके पास जो हिस्सा है, जो कटा हुआ हिस्सा आएगा वो इस तरह से कुछ आएगा आपके पास, इस तरह आएगा। तो ये जो देखो ना, ये क्योंकि वो शंकु आपने निकाल दिया, एक्चुअली यहाँ है, इसको यहां से देखिए आप, इसको सामने से मत देखिए, यहां से देखने में आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि आप सामने से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने इसको यहां से काट दिया है और ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से काटने पे एक सरफेस आपका ये भी आ रहा है, एक ये भी आ रहा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस बच्चे में हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा, एक तो पूरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, एक इस शंकु का हो गया और एक आपका इस वृत्त का हो गया, ये वृत्त इस वृत्त का हो गया। तो इसका मतलब है कि बच्चे में अगर मैं हिस्से का अगर क्षेत्रफल निकालू उत्तर में, अगर मैं बोलूं तो इसमें सर्वप्रथम तो देखिए कि आर बराबर के पास 0.7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। एच आपके पास 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ भाग, तो उसका अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या होगा, सॉरी बेलन का 2 पाई आर एच, जो बेलन का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ये इसका, क्योंकि ये ध्यान रखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसलिए जोड़ा है क्योंकि बेलन अभी पूरा का पूरा है, बेलन के अगर मान इसको बेलन मांगे तो बेलन का जो ये वाला हिस्सा है इस हिस्से में कोई छेद नहीं है, ये तो पूरा इसके अंदर यहां से छेद है, नीचे से छेद है, तो अंदर पूरा अंदर तक छेद है वो, लेकिन ये बाहर का जो हिस्सा तो पूरा बेलन ही है ना, यानी कि बेलन का पूरा वक्र पीछे छेद अभी वही है, वो यहां से और यहां से कट रहा, तो यानी कि बचे हुए हिस्से में तो बेलन का बाहर का हिस्सा तो आएगा आएगा, तो इसलिए 2 पाई आर एच, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल माने जहां आप पेंट वेंट कर सकते हो, वक्र पीछे जो वक्राकार है तो यहाँ अंदर काटने पर भी आपको एक क्षेत्रफल वहां भी मिल रहा है पृष्ठीय क्षेत्र, तो वहां भी आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पाई आर एल और प्लस इस वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो वो हम देख लेंगे बाद में सॉल्व करके। तो यहां पर अब देखिए, अब इसमें एच भी है, आर भी है, एल आपके पास नहीं है, तो चित्र से आप एल कैसे निकालोगे, चित्र से देखो यहां पर देखिए ये आपका पास
त्रिज्या है, ये इसकी हाइट हो गई है और ये आपकी 2.5। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 0.7 है और ये आपका 2.4 है। तो ये आपका ना आपने निकालना है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हिस्सा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग पाइथागोरस थ्योरम से। तो चित्र से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर जाएगा अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। बच्चों इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व किया है इसको, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल रहा हूँ, इसको आज भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका डायरेक्ट आएगा 6.25, जो कि बराबर आएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आया क्या, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बचे हुए भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा शेष भाग का, हाँ इसमें एक चीज और है, सॉरी इसमें आपने शंकु, हाँ इसलिए आप निकालेंगे शंकु का, निकालेंगे शंकु का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो यानी कि 22/7 इंटू आर 0.7 इंटू एल, सॉरी एल अगर 2.5 निकला। तो शंकु का क्षेत्र सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इसका मान आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये शंकु का आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इस हिस्से का, तो वृत्त का क्षेत्र आपको जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई यानी कि 22/7 हो गया, आर स्क्वायर आर आपको वही 0.7 × 0.7। इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कर सकते हैं इसका, इसका रिलेगा 1.54 वर्ग सेंटीमीटर, ये निकल गया। और फिर आपने बेलन का भी निकालना है, बेलन का मैंने यहाँ पर निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2πRh, 2 × 22/7 × r.7 × h, h आपका है 2.4, ये दिया है। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट सॉल्व करके आएगा आपका 10.56 वर्ग सेंटीमीटर। ये मैंने डायरेक्ट, मुझे पता है मैंने सॉल्व किया था इसको, तो इसको मैं डायरेक्ट निकाल कर रख दिया। तो इसलिए शेष भाग का जो क्षेत्रफल वो क्या जाएगा, सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़िए इसको जोड़िए इसको जोड़िए, तो ये आपको जाएगा 5.5 + 1.54 + 10.56। ठीक है, तो ये जोड़ के कितना होगा आपका, देखिए इसको मैं ऐसे, थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसको ऐसे ना करके मैं डायरेक्ट ऐसे जोड़ रहा हूँ ताकि मेरे को सही रहे जोड़ने में, 1.54 और ये 5.5, इसको जोड़ेंगे। होप आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये आपका 6 × 4 = 10 आ गया, 5 × 3 = 15, 1 = 16 आ गया। ठीक है, और 5 × 6 = 7 आ गया है, और ये 1, तो ये आपका टोटल आया है 17.60। तो इसको अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे तो ये 18 आएगा, क्योंकि 0.5 के बाद 60 है, तो इसको हम 18 ले लेंगे, निकटतम ना, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर मान, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 18 वर्ग सेंटीमीटर। वैसे तो इसका एक्यूरेट जो आंसर है वो है आपका 17.60 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि निकटतम मान बोला तो हमको निकटतम मीन्स अप्रोक्स राउंड फिगर में 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। बच्चों सवाल तो सिर्फ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी, बहुत छोटा सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपको मेन जो बात आपको ध्यान रखनी होगी वो ये है कि जो ये शंक्वाकार खोल काटा गया है वो इस बेलन से, यहाँ से नहीं, ऐसे ऐसे में नहीं काटा गया है, ये यहाँ नीचे से काटा गया, नीचे छेद कर दिया गया, बीचों बीच छेद कर दिया गया है, और उसको फिर यहाँ से ऐसे निकाल दिया गया है। ठीक है, जैसे तरबूज से निकालते हैं वैसे ही निकाल दिया गया। तो वैसे निकालने पे क्या बनेगा, एक खो बनेगा, उस खो बनने से क्या होगा, एक्स्ट्रा सरफेस बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको पहले बेलन दिया गया था पेंट करने को, तो आपने क्या किया, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर पेंट कर दिया, यहाँ पे पेंट कर दिया, यहाँ पेंट कर दिया, लेकिन हमने यहाँ से उसको काट करके उसको एक और छेद नीचे बना दिया, बोलो कि आप पेंट करो, तो आपका पेंट करने का क्षेत्रफल बढ़ गया है ना, जो है कि आपका कार्य बढ़ गया। तो यानी यहाँ भी क्या बना है, वक्र, यहाँ भी अंदर क्या बना, पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ गया, यानी कि क्षेत्र बढ़ रहा, घट नहीं रहा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में दिमाग में ये आ रहा है कि इसको घटाना पड़ेगा, लेकिन घटाना नहीं है, क्योंकि क्षेत्र पर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, और ये ऊपर से ये भी आ रहा है हमारे पास वृत्त का, तो इसलिए वृत्त का भी, शंकु का भी,
और पूरे बेलन का भी हम क्षेत्रफल आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसीलिए वो बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो इस सवाल की यही विशेषता है कि यहाँ पर क्षेत्रफल जोड़ना है ना, ना कि घटाना है। तो इसलिए यह जो इसका जो ये कॉन्सेप्ट है, जो इसकी ये बात यही इसको इंपॉर्टेंट बना देती है। तो इसलिए मैंने बोला दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। जहां पर समझ में आए आप वहां पर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चाहे तो मेरे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप मेरा नंबर मेरा हर वीडियो में दिया गया है, ठीक है, इस वीडियो में भी दिया गया, आप चाहे तो ले सकते हैं। और बाकी आपका भी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ कोई और बच्चा जिसने ये जो ये वीडियो ना देख रहा हो उसके लिए भी ये फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी जो स्टूडेंट, जो बच्चे, जो दोस्त, जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट अभी इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि आपके सामने ये एरो का निशान बता रहा है, तीर का निशान, ऐसे कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर पहुंचाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।